So today is our day two journey in Leh Ladakh Diaries, and let me tell you what I don't like about this place. That is the morning weather. So around 11 to 2 p.m. it was quite harsh sunlight, which made difficult to do the sightseeing. But jo bhi ho, jaisa bhi ho, at least barish nahi ho raha hai. So hello everyone, welcome back to the channel. This is your host and dost Shubhadeep, aka the Bomb Wayfarer. Today we will be heading towards Nubra Valley, jiska ek aur naam tha El Dumra, the orchard of Ladakh. And on the way, we'll be stopping at the Khardungla Pass. So, abhi temperature to pleasant lag raha hai, but Khardungla Pass mein it is showing around 2 to 4 degrees Celsius. So, aapko jacket handy rakhna padega, because wahan pe bahut kadak thand lagne wali hai. At the same time, we'll be leaving this beautiful property, Hotel Zenang. Yahan pe hum log aane ke time pe ek aur din rukne wale hai. So, hotel ka review ka vlog to main alag se bana raha hu. उसमें आप लोग देख लेना कि होटल कैसा है, यहाँ का प्राइसिंग कैसा है, खाना वगैरह कैसा है, वो सब मैंने कवर कर चुका हूँ. यहाँ से नुब्रा वैली का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर. तो आज होने वाला है फुल फ्लेजेड ट्रैवलिंग. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो खारदुंगा जाने से पहले हम लोग एक व्यू पॉइंट पे रुके हैं. इट्स लाइक 8 किलोमीटर बिफोर साउथ कुल्लू रीजियन. यहाँ से पूरा नीचे का व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है. मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा पे कैसा दिख रहा है. तो दिस इज द व्यू पॉइंट. दूर पहाड़ों का पूरा पिक्स विजिबल है. ऑन दिस साइड इज द खारदुंगला एंड हम लोग वो नीचे से चढ़ते हुए इधर तक आए. यहाँ पे अलग से एक फ्रेम भी बना के रखे हैं ये लोग व्यू पॉइंट ले बोल के. यहाँ पे आप फोटो वोटो उठा सकते हो थोड़ा संभल के, बिकॉज नीचे पूरा खाई है. पर व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है. टिल साउथ कुल्लू रीजियन ले से 25 किलोमीटर तक रास्ता ठीक ठाक है. उसके बाद टुवर्ड्स खारदुंगला नेक्स्ट 14 किलोमीटर रास्ता थोड़ा अप डाउन खड़ा होने वाला है. तो ब्रेस योरसेल्फ फॉर दैट एंड जस्ट एंजॉय द व्यू. दैट्स इट. सच बताओ तो अभी तक AMS का मेरे को कोई फील नहीं आ रहा है. तुमको आ रहा है क्या? ठीक ठाक है सब कुछ. हम लोग तो ट्रेक वगैरह करते हैं तो उतना नहीं हो रहा है, बट टू नेवर नो. थोड़ा बहुत तो सावधानी भड़क के चलना पड़ेगा आपको. So we have stopped at Khardungla Pass at an altitude of 17,982 feet. Just view ko enjoy karo. Charo taraf barf hai, barish bhi ho raha hai. This is the parking lot. Hum log gaadi wahan pe park karke thoda aage tak jayenge. And mujhe to ye place first look pe bahut hi crowded lag raha hai. It is basically gateway to Shayok and Nubra Valley, and strategically it's very important pass in the entire India. आप जस्ट भीड़ देख लो. जो व्यू पॉइंट है यहाँ पे सब लोग फोटो उठा रहे हैं. जस्ट भीड़ देख लो. सो दिस पास वॉज बिल्ट अराउंड 1976 एंड वॉज ओपन फॉर पब्लिक टूरिज्म एंड पब्लिक मोटर्स इन द ईयर 1988. दिस पास इज मेंटेन बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस एज इट इज यूज टू कैरी गुड्स टू द सियाचेन ग्लेशियर. तो सियाचेन ग्लेशियर में जितना भी आर्मीज का वहाँ पे मौजूद है, तो यही पास होके सारे सामान वगैरह उन लोगों तक पहुंचता है. तो दैट्स वाई स्ट्रेटेजिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो दूर जो पहाड़ दिख रहा है मुझे, वो काला पत्थर वाला फील आ रहा है. लास्ट ईयर नॉर्थ सिक्किम में हम लोग काला पत्थर गए थे. ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. खारदुंगला पास पहुँच के इतना उछल कूद मत करो, क्योंकि थोड़ा बहुत सांस फूल रहा है. तो जितना हो सके कम बात करो एंड जगह का व्यू का मजा लो. दैट्स इट. सच बताओ तो यहाँ पे अलग ही माहौल है. यहाँ पे इतना भीड़ है, एक फोटो के लिए हम लोगों को 15 मिनट का लाइन पे खड़ा रहना पड़ेगा. इट्स टू मच क्राउडेड मैन. टू मच. बताओ, सोच लो ले मनाली हाईवे बंद है, बाइकर्स लोग आ नहीं पा रहे हैं, स्टैंडिंग ऑन 16th ऑफ जुलाई, फिर भी इतना भीड़ है. पीपल आर गोइंग एब्सोल्युटली बॉन्कर्स. मेरे हिसाब से खारदुंगला ओवरहाइप्ड है. ओवरहाइप्ड? नो नो, हैंड्स डाउन इट्स ओवरहाइप्ड. इफ यू हैव विजिटेड काला पत्थर इन सिक्किम, इट इज मच बेटर देन. मैं वही बोल रहा हूँ. लास्ट ईयर हम लोग काला पत्थर गए थे, उसका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो वो भी फुटेज मैं यहाँ पे डाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ. तो देख लो वो काला पत्थर का फुटेज. सो दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द डे एट लाचेन, दैट इज काला पत्थर. नाम सुन के आपको पता चल रहा है कि जगह का नाम ऐसा क्यों हुआ. पूरा ब्लैक कलर का माउंटेन है और पूरा स्नो से ढका हुआ है, चारों तरफ बर्फ है. एंड बोल रहे हैं कि मई एंड तक तो ये जगह पे ऐसा ही रहता है. वैसे एक टाइम पे बोला जाता था खारदुंगला इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास, बट दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज हैनले से एक और
रूट जाता है टुवर्ड्स उमलिंगा पास बोल के, उमलिंगा उमलिंगा ला, तो उमलिंगा ला पास इज करेंटली द हाईएस्ट मोटरेबल ट्रैक इन द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज 19,300 फीट। अपना कब नंबर आएगा डोंट नो, और उधर बारिश भी हो रहा है एक साथ, देख लो सब लोग यहाँ पे लाइन लगा के फोटो उठा रहे। खारतुंगला से थोड़ा आगे चलते हुए हम लोग अभी ये बर्फ का रीजन पे आए हैं। मुझे लग रहा है आज ही आज या कल पे तो पक्का बर्फबारी हुआ है, फ्रेश स्नोफॉल है। इतने ऊपर से स्लाइड मारना है कि नहीं? इतना ज्यादा स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज पे मत इन्वॉल्व हो, बिकॉज बहुत चढ़ाई है यहाँ पे। ठीक है हम लोग अभी ठीक है, साथ में तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी हम लोग चल रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बेसिकली, ये सब कि हवा बना के रखे यहाँ पे। तो खारतुंगला का जो स्पॉट है वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। एक फोटो के लिए अगर 10-15 मिनट लाइन देना पड़ा, इससे बुरा बात और कुछ नहीं है। कंपेयर टू दैट स्पॉट, ये स्पॉट बहुत खाली है और यहाँ पे आप फोटो उठा सकते हो। वहाँ पे एक फोटो के लिए मेरे को 15 मिनट तक लाइन पे रुकना पड़ा और उधर बारिश भी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बाइकर्स लोग इतना नहीं है, बट जितना भी लोग है बहुत है, ओवर क्राउडेड लगा मेरे को। पंद्रह मिनट बोल के हम लोग खारतुंगला में ऑलमोस्ट आधा घंटा टाइम ले लिए। वैसे लोग तो AMS के बारे में बहुत कुछ बोलता है, बट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ विद गॉड्स ग्रेस। इससे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था लास्ट ईयर गुरुदम्बर में। वैसे हम लोग तो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे हैं। अच्छा बाय द वे, कल हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे यूज करना होता है वो भी ट्यूटोरियल मिला था, वो फुटेज आप लोग देख लो इन द मेन टाइम। दिस इज योर ऑक्सीजन सिलेंडर, ओके, और ये इसका टूल जो इसमें लगता है, मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन, इसको आप लोग पे ऐसे लगाना, पहले ऐसे इसको टक करो, यहाँ पे वो होती है स्टिक्स छोटी छोटी सी, उसको पहले आपको इसके अंदर पूरा वो करना है। सी एक बार फिर से, अगर मान लो किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जीरो है, जीरो हाफ, इसको आपको एटलीस्ट 10-15 मिनट्स रखना है, ठीक है। इफ अगर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहता है तो दिस इज इनफ, आपकी बॉडी स्टेबल नहीं हो रही है तो आपको 2 से ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है। इस केस में फिर मेडिकल हेल्प चाहिए। On the way to Nubra, we have taken a small halt at this beautiful riverside. वो ऊपर से हम लोग चलते हुए नीचे आए रिवर साइड पे। नदी का नाम तो मेरे को पता नहीं, वो पत्थर पे पैर रख के हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नदी को। ओके, लेट्स होल्ड माय ब्रीथ। वो लोग उधर तक जा सकते हैं, एकदम एंड तक। क्वाइट हेवियर राइट नाउ, एंड ये जो नदी का नाम मैंने पूछा कुछ बोल नहीं पाया, बोला कि ग्लेशियर का पानी है जो विलेज के अंदर तक जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे टुवर्ड्स नुब्रा वैली, यही सेम रूट है, बट बारिश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बारिश चल रहा है, उसके साथ तेज हवा भी चल रहा है।
तो हम लोग नुब्रा वैली में ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं. पलास इज डूइंग हिज ओन थिंग्स, वॉमिटिंग पार्ट या पार्ट एंड पार्सल, बट या ही नीड टू स्टे फिट. पूरा नुब्रा वैली विजिबल है. माय गुडनेस, मैं लाइफ में इतना अच्छा वाला व्यू बहुत कम देखा हूँ. राइट, दिस इज अ वेरी डिफरेंट लैंडस्केप, वेरी डिफरेंट. इट्स ऑलवेज ग्रेट टू ट्रैवल विद पॉलास बिकॉज कोई तो ऐसे नहीं रोकता है, पर मेडिकल रीजन में रोकता है तो आधा आधा घंटा में उल्टी करता रहेगा और हम लोग को ऐसा व्यू मिलता रहेगा. चलो, सो बीट लाइक नॉर्थ सिक्किम, बीट लाइक लद्दाख, वन थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, ही विल डेफिनेटली वॉमिट. ही नीड टू स्टे फिट. ओके, ऑल गुड. तेरे को अभी ऊपर बैठने के लिए बोलूंगा. बिफोर एंटरिंग नुब्रा वैली वी जस्ट स्टॉप फॉर आवर लंच एंड लेट मी शो यू व्हाट यू हैव गॉट. दिस इज ड्राई चिली चिकन, दिस इज मिक्स फ्राइड राइस. कैसा लग रहा है देख के तो बढ़िया लग रहा है. वैसे हम लोग तो हैवी ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे, बट नुब्रा पहुँचते ऑलमोस्ट 2 बज गए, तो बेटर टू हैव अवर लंच राइट नाउ बिकॉज इसके बाद नुब्रा पहुँच के और 2-3 एक्टिविटीज भी हम लोग करने वाले हैं. फाइन, एवरी वन इज परफेक्टली फिट एंड साउंड. सो वी हैड अवर लंच एट दिस हैप्पी रेस्टोरेंट बिफोर एंटरिंग नुब्रा एंड आई बिलीव द फूड वॉज वेरी गुड. How was your experience? The food was good. The hospitality was also very good. They were very welcoming. So if you are coming here, do visit this place. This is very nice. यहाँ पे happy restaurant छोड़कर और भी बहुत सारा restaurant है, but driver भाई साहब ने हम लोग को यहीं पे लेके आया. खाना वाना was A+. ठीक है, मतलब नुब्रा वैली में अगर ऐसा खाना मिल रहा है तो चलता है. और नॉन वेज भी यहाँ पे अवेलेबल है. इधर भी एक और रेस्टोरेंट है, उधर भी है. On the way to Nubra Valley, a major tourist attraction spot is on my backside, that is Diskit Monastery. And uske theek samne 106 feet uncha Maitreya Buddha statue. Buddha statue on the right side and on the left side Diskit Monastery. So iska entry fee hai 40 rupees per person. And on the top of that, this is a no drone fly zone. Just check kar rahe pura valley ka view. नीचे बहुत दूर छोटा छोटा ग्राउंड भी दिख रहा है जहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. पूरा वैली का व्यू देखो, उधर धूप निकला हुआ है, इधर छाव है, एंड दिस साइड द मैजेस्टिक मैत्रेय बुद्ध स्टैचू. राइट नाउ वी आर ऑफिशियली इनसाइड मैत्रेय बुद्ध स्टैचू. मेरे पीछे जो देख रहे हो ये रास्ते से हम लोग टेम्पल के अंदर जाएंगे. इसका एक और नाम है मैत्रेय बुद्ध गोम्पा. गोम्पा मीन्स टेम्पल. और उधर पीछे दीक्षित मॉनेस्ट्री. बहुत ही सुंदर व्यू है ना उधर से, ये वाला व्यू. आई हैव टेकन फ्यू पैनोरामिक शॉट ऑल्सो, सो आई विल पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज IMNOW92. यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो. I just got spellbound to see this amazing beauty of this Maitreya Buddha statue. Statue ka exact height hai 106 feet and pura Nubra Valley idhar se and udhar Diksit Monastery visible hai. It is told that besides its aesthetical and spiritual significance is believed to embody 3 ideas, that is protection of Diksit village, promotion of world peace and prevention of further war with Pakistan. The 108 feet gigantic statue, it is just amazing. Okay, so yesterday we went to Shanti Stupa, but it was overcrowded. But here this 108 feet statue introduces you to tranquility. The architecture, the golden and pink color, it just like amazing. It's out of this entire Nubra Valley. About that monastery? We are yet to visit it. Hopefully we get the time to visit it. ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे बैठ के मेरे को लग रहा है I can spend at least 2-3 hours just by seeing this beautiful statue on the background. Yeah, like everyone is saying that it can be a perfect spot for meditation. Bas view ko enjoy karo, dekho aur kya, ek alag hi sukoon aur
पीस आप लोगों को महसूस होगा। डन हियर एट दिस बुद्धा स्टैचू। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हम लोग थोड़ा बहुत टाइम लेके रील्स अदर शॉर्ट्स शूट कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। आप जरूर आए इस बुद्धा स्टैचू के पास, क्योंकि जो पीस और ट्रांक्विलिटी का एक्सपीरियंस है दैट इज अनपैरेलल्ड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हेड बैक टू आवर होटल। कल हम लोगों का प्लान है टुकटुक जाने का, तो आज थोड़ा जल्दी जाके सोना भी है, तो लेट्स डायरेक्टली मीट यू एट द होटल। लेट्स गो। After spending a productive day on our way to Nubra Valley, finally we have reached to our destination, that is Hotel Sasarla at Nubra Valley. So, आज के लिए vlog को यहीं पे खत्म करते हैं। I hope you guys really enjoy this entire Nubra Valley footage. Tomorrow we'll be moving towards the Turtuk village. If you are new to the channel, then do subscribe my channel, The Bong Wayfarer. And if you have any queries, then feel free to DM me on Instagram also as IRNoy92. Till then, goodbye, take care, see you soon. Ciao.